हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डेंगू बुखार से और डेंगू से कैसे बचे उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको 7 इम्पॉर्टेंट और सिंपल से टिप्स दूंगा जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आइए हमारे दुश्मन को पहचानते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? डेंगू कैसे फैलता है? मच्छर से। तो ये दोनों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो डेंगू के बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया, पूरी जानकारी दी है कि कैसे फैलता है, मतलब क्या उसके लक्षण है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या वार्निंग साइंस है, क्या ट्रीटमेंट है। तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। अब मच्छर की बात करें तो इट इज वन ऑफ द डेडलीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड हमारे ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि मच्छर से डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, जीका हो सकता है। तो आइए जानते हैं डेंगू फैलाने वाले मच्छर के बारे में। अब ये डेंगू एडिस इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, पर्टिकुलरली फीमेल जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। अब ये मच्छर, उसकी कैपेसिटी उड़ने की बहुत कम होती है, 400 से 600 मीटर। मतलब अगर हमारे एरिया में एक पेशेंट है जिसको डेंगू हुआ है, तो मान लेना है वो एरिया में मच्छर ज्यादा है, तो एटलीस्ट वो एरिया में हम सतर्क हो जाएंगे जिसकी वजह से दूसरे लोगों को वो डेंगू ना हो। ये मच्छर जो है उसकी हैबिट है मॉर्निंग से इवनिंग काटने की, मतलब वो डे टाइम फीडर है। मतलब जो सुबह का टाइम होता है और शाम का, वो सबसे ज्यादा उसका फीडिंग पैटर्न होता है, तो वो टाइम हमको ध्यान रखना है। उस टाइम जो अगर मच्छर काटते हैं, वो डेंगू के मच्छर होते हैं, उससे डेंगू फैलता है। तो हम कई बार मानते हैं कि हम रात को मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं या मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के सो जाते हैं तो हमको डेंगू नहीं होगा। नहीं, डे टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, ये जो डेंगू के मच्छर है वो जो एग्स उसको ले करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में काफी लंबे टाइम तक, काफी महीनों तक अलाइव रहते हैं, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं। तो जब उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मिलती है और पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो एग्स में से मच्छर पैदा होते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ये जो मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होते हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है, हमारे आसपास अगर कोई बर्तन है, जो ढक्कन है प्लास्टिक के, का टायर्स है, गमले हैं, वहां अगर पानी कलेक्ट होता है, वो अगर 5-7 दिन तक स्टेग्नेंट रहता है, तो उसमें ये डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। हमारे आसपास जो साफ पानी है उसमें ये मच्छर पैदा होते हैं। तो जब मॉनसून का सीजन है, तो एटलीस्ट ऐसे बर्तन या ऐसी जो चीज है जहां पे पानी कलेक्ट होता है, वो हम अवॉइड करेंगे या उसको खाली करते रहें। पर्टिकुलरली जब पक्षियों को पिलाने वाले पानी जो हम रखते हैं बाउल, वो खाली करते रहें एवरी 5-7 डेज। हमारे आसपास कूड़ा या गार्बेज नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा मच्छर होते हैं। और हमारे आसपास ऐसे पेड़ पौधे जैसे कि नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस और लेमन ग्रास, जैसे चाय की हरी पत्ती, ये सब ज्यादा उगाए तो मच्छर कम होंगे, पर्टिकुलरली डेंगू के। हमारे घर में जो अगर डैम्प एटमॉस्फेयर है, मतलब भेज वाला एटमॉस्फेयर है, या जहां पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, वहां पे ज्यादा मच्छर होते हैं। तो दिन के टाइम में जब धूप होती है, तो हम हमारे खिड़की और दरवाजे खुले रखेंगे, जिससे हमारे घर में ज्यादातर रोशनी, सनलाइट आए, तो वो मच्छर कम हो जाएंगे। आगे एक इंपॉर्टेंट टिप है कि हमको कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर का खुला भाग बहुत कम रहे। मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहने, फुल ट्राउजर पहने, सॉक्स पहने, पर्टिकुलरली बच्चों को, क्योंकि ये मॉस्किटो दिन में काटते हैं। तो स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, उनको कपड़े ऐसे पहनाए कि जिसकी वजह से उनको ये डेंगू के मच्छर ना काटे। जब हमको पता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा मच्छर काटते हो, तो ऐसे टाइम में बाहर जाना या ऐसे एरिया में जहां पे मच्छर ज्यादा होता है, वहां जाना अवॉइड करें। मतलब गार्डन्स वगैरह में ना जाएं, वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में। पर्टिकुलरली हम बच्चों को शाम को गार्डन में ले जाते हैं, तब मच्छर ज्यादा होता है। वो पर्टिकुलरली ऐसे एरिया में जाता है वहां पे झाड़ी वगैरह होती है, तो वहां उनको मच्छर काटते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मच्छर काटने से रोकने से लिए, एक, हम हमारे रूम में मॉस्किटो के जो फ्यूम्स आते हैं, या लिक्विड वेपराइजर है, या उसकी अगरबत्ती है, वो जला सकते हैं, जिसकी वजह से मच्छर नहीं आते हैं। और हम स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, तो रूम में पहले हम स्प्रे छिड़क देंगे 15-20 मिनट के लिए, रूम बंद रखेंगे, उसके बाद दरवाजे खुले रखेंगे, जिसके बाद जिसकी वजह से वो स्प्रे का जो कॉन्सेंट्रेशन रूम में कम हो जाए, उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे या पर्टिकुलरली हमारे बच्चों को अंदर ले जाएंगे। अब मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए काफी सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे मॉस्किटो रिपेलेंट है, जो कुछ मेडिसिनल है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट है, उसका एक मैकेनिज्म है कि जो मच्छर है वो हमारी बॉडी ऑडर से अट्रैक्ट होते हैं।
जब हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं तो हमारा बॉडी ऑडर चेंज हो जाता है, और पर्टिकुलर कुछ स्मेल्स है जो मच्छर को अच्छी नहीं लगती है, और वो द्रव्य हम हमारे रिपेलेंट पे लगाते हैं जिसकी वजह से मच्छर हमको नहीं काटते हैं। तो जो ये मेडिसिनल प्रोडक्ट है मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट, उसको हम 2 महीने के ऊपर के सभी लोगों को लगा सकते हैं, वो सेफ है। लेकिन कुछ चीज याद रखने जैसी है, जैसे हम बच्चों को लगाते हैं तो हाथ पे या मुंह पे ना लगाए जिसकी वजह से वो उसके मुंह में जाए। दूसरी बात, जो कवर्ड एरिया है वहां पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे, हमको जरूरत है सिर्फ खुले भाग में लगाएं। कट्स है, वुंड्स है, कहीं कुछ काटा है या कट हुआ है वहां पे हम नहीं लगाएंगे। बच्चों को अगर ये मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं तो जब भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको दे दो साथ में, और हर 4 से 6 घंटे पर उनको बोलो कि ये लगाए, क्योंकि उसकी इफेक्ट कुछ घंटे तक रहती है। तो एक बार लगा के भेजो कि शाम तक तो उसकी इफेक्ट नहीं रहेगी, तो एक आध बार बीच में उनको बोलना है कि आप अपने आप खुले पोर्शन पे हल्के से लगा दें। जब वो बच्चे घर पे आते हैं तो उनको साबुन से बराबर हाथ पैर वगैरह धुलवा दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मॉस्किटो रिपेलेंट हमको जो डेंगू जिसको हुआ है उसको लगाना जरूरी है, क्योंकि उसको काटने के बाद अगर मच्छर हमको काटते हैं तो हमको इन्फेक्शन होता है। तो वो रोकने के लिए जब भी हमारे घर में किसी को एक को भी डेंगू हुआ है तो उनको रेपरेंट लगा हुए, हम अपने आप को लगाएंगे और मॉस्किटो ना हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट टिप्स मॉस्किटो से बचने के लिए और डेंगू से बचने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।